अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लखनऊ पैक्ट पे, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंस है इसकी, इस टॉपिक की, इस इवेंट की, क्योंकि ये हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में कह लें कि पहली दफ़ा हुआ था, इफ़ आई एम से कि पहली और आखिरी दफ़ा हुआ था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिल के बैठे थे और एक बात पे एग्री हुए थे, मुतफिक हुए थे, तो वो लखनऊ पैक्ट था 1916 में। सो सबसे पहले मेन करेक्टर्स की बात करते हैं। तो मुस्लिम लीग के जो सदर थे वो थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिना, और उनके साथ थे वजीर हसन। ठीक। कांग्रेस के जो सदर थे वो मजमूदार साहब थे, और उनके साथ थे बाल तिलक। और ये जो दो करेक्टर हैं मेन करेक्टर, और क्योंकि कहते हैं हमको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इसका जो टाइटल मिला था ना, ये जो टर्म थी एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये क्वाइन की थी गोपाल कृष्ण आचार्य ने, जो कि कैदी आजम के टीचर भी थे। ठीक है, इन्होंने टर्म की थी, लेकिन जो बकायदा तौर पे मंसूब किया जाता है वो सरोजनी नायडू, इन्होंने इनके साथ मंसूब किया जाता, लेकिन ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्म जो क्वाइन की थी वो गोपाल कृष्ण आचार्य ने की थी, लेकिन टाइटल इनके द्वारा दिया गया था, सरोजनी नायडू के द्वारा। ठीक है। सो सबसे पहले हम रिकैप देखते हैं 1916 से पहले, लखनऊ पैक्ट के से पहले क्या क्या जो डेवलपमेंट्स हम पढ़ के आ चुके हैं या मैं आपको बता के आ चुका हूँ। सबसे पहले मैंने बताया कि 1905 की बंगाल पार्टीशन हो जाती है। ठीक। जैसी पार्टीशन होती है हिंदू फसादात शुरू हो जाते हैं, या हिंदुओं की जो एजिटेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। देन 1906 में शिमला डेपुटेशन जाता है लॉर्ड मिंटो से मिलने, और वो अपनी कुछ डिमांड्स बताते हैं कि हमें क्या क्या राइट्स चाहिए या हम अपनी पार्टी बनाना चाह रहे हैं। ठीक। देन फिर मुस्लिम लीग है, वो 1906 में ही मुस्लिम लीग भी डिवेलप हो जाती है। देन उसके मैंने आपको सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स बताए, उसके क्रिटिसिज्म जो भी था सारा कुछ बताया, और उसमें डिमांड की जाती है जुदागाना इंतखाब, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक। अब मुसलमानों का ये जो मुतालबा होता है ना, ये 1909 के एक्ट में मान लिया जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ जो मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स है। ठीक है, तो ये हो गया, पहले 1906 की बंगाल पार्टीशन के खिलाफ थे हिंदू, फिर 1909 के एक्ट में मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब मिल गया। तो ये जो पहले थोड़ी सी आग थी, खैर थोड़ी तो नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उस पे जलती पे तेल का काम किया 1909 के एक्ट के, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की प्रोविजन थी मुसलमानों के लिए उसने। अब जो हिंदू थे इनकी एजिटेशन और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो 1911 में मैंने आपको बताया कि दिल्ली दरबार होता है, और उसमें किंग जॉर्ज फाइव, और सर्टेन डेवलपमेंट्स करते हैं, उनके बारे में बात हो चुकी है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। पार्टीशन ऑफ बंगाल में दो हिस्सों में मैंने इसीलिए बनाई थी। देन उसके बाद वो क्या करते हैं, अनल कर देते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल को। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल अनल होगी, अब मुसलमानों को यह लगता है कि हमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो मैंडेट मिला है, कहीं वो भी हिंदुओं के एजिटेशन की वजह से जो ब्रिटिश सरकार है वो वापस ना ले ले। तो अब ये क्या करते हैं कि कोशिशें जारी हो जाती हैं कि कांग्रेस के साथ कोई मुआहदा कर लिया जाए, ताकि जो हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको मोहर लग जाए, उसकी स्टैंप लग जाए कांग्रेस की, कांग्रेस इसको मान ले, इसके खिलाफ एजिटेशन ना करे। सो इसी चीज को लेके, इसी डर को लेके मुसलमानों के अंदर ये सबसे बड़ा डर होता है कि कहीं जुदागाना या सेपरेट इलेक्टोरेट का जो इंतहाब है वो हमसे वापस ना ले लिया जाए। तो इसी वजह से काफी सारी कोशिशें की जाती हैं, ऑल दो इसके पीछे और भी कई वजह थी, लेकिन जो मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी कोशिश थी, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था, वो यही था कि सेपरेट इलेक्टोरेट में जो कांग्रेस है उसकी स्टैंप लग जाए। ठीक है, अब कांग्रेस की स्टैंप लग गई तो हिंदुओं की स्टैंप लग गई। सो इसी वजह से लखनऊ पैक्ट होता है, और इसकी आगे मैं प्रोविजन भी बताऊंगा कि और कौन कौन सी डिमांड्स थी जो उस टाइम पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों कर रहे थे। और इसके बाद ये भी था, कांग्रेस क्यों मिली, कि जो सेल्फ गवर्नेंस का जो ऑब्जेक्टिव था ना, सेल्फ गवर्नेंस का,
या डोमिनियन स्टेटस का, वो भी मुस्लिम लीग ने ऐड कर लिया था 1913 में, आई थिंक मैंने आपको बताया पिछले वीडियोस में। तो इस वजह से भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो कह लें कि इख्तलाफात थे, जो दूरियां थी, वो इस वजह से भी कम हुई, क्योंकि कांग्रेस का भी मेन मोटो ये था कि भाई हमें डोमिनियन स्टेटस दो, इंडिया को छोड़ो और वापस जाओ, ठीक है, हमें खुद हुकूमत करने दो। तो मुस्लिम लीग ने भी कुछ सर्टन डेवलपमेंट्स की वजह से ये ऑब्जेक्टिव अपनी, जो मुस्लिम लीग के जो ऑब्जेक्टिव है उसमें ये चौथा ऑब्जेक्टिव ऐड कर लिया था। वो डेवलपमेंट भी बता चुका हूँ मैं आपको कि क्यों क्रीड चेंज हुई थी मुस्लिम लीग के, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोज में। सो अगर आपने नहीं देखी तो उनको देखिए ताकि आपको फुल स्टोरी का पता चल जाए। सो अब बात करते हैं लखनऊ पैक्ट पे। मैंने आपको रिकैप इसलिए बताया कि अगर किसी ने वीडियोस नहीं भी देखी हुई पिछली, तो उसको एक जरा ओवरव्यू हो जाए। सो अब चलते हैं लखनऊ पैक्ट की आउटलाइंस की तरफ। सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन, देन फैक्टर्स, फिर लखनऊ पैक्ट एंड अदर डेवलपमेंट्स। मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ लखनऊ पैक्ट ये नहीं है कि 1916 में इन्होंने कहा कि हमने लखनऊ पैक्ट करना है तो चलो जी लखनऊ पैक्ट बैठ के करते हैं, नहीं, इसके लिए सर्टन डेवलपमेंट्स हो रही थी, क्वेश्चन जारी थी 1910 से लेके ही ऑलमोस्ट 1911 की जो नलमेंट हुई थी बंगाल, उससे पहले से ही मुसलमान ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर बैठे और एक पैक्ट या एक कह लें कि हारमोनी दोनों पार्टीज में आ जाए, ठीक है। देन हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे, फीचर्स क्या थे लखनऊ पैक्ट के, फीचर्स मतलब डिमांड्स। इसमें हिंदू और मुस्लिम डिमांड्स क्या कर रहे थे, कुछ तो अपनी डिमांड्स पे एग्री हुए थे ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग, लेकिन कुछ डिमांड्स वो बदले में ब्रिटिश से भी कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश को इस टाइम पे सपोर्ट कर रहे थे, इंडियंस सपोर्ट कर रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में वॉर स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इंडियंस की सपोर्ट तो लाजमी थी, क्योंकि 1 मिलियन के करीब सोल्जर्स यहां से गए थे। 1 मिलियन सोल्जर थोड़े सोल्जर नहीं होते, 10 लाख फौज यहाँ से भी गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश को सपोर्ट करने के लिए। देन इसके सिग्निफिकेंस करेंगे, इसके सिग्निफिकेंस क्या थी, या बाद में इसके इम्पैक्ट्स क्या हुए, फिर इसका क्रिटिसिज्म, देन कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन। अगर हम देखें तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो एरा है वो पहली जंगे अजीम के दौर के साथ ओवरलैप करता है, ठीक है, क्योंकि 1914 में मैंने आपको बताया ना वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है और 1918 में एंड हो जाती है। तो ये भी एरा वही था ऑलमोस्ट, 1910 से क्वेश्चन जारी थी, लेकिन 1913 में जब मुस्लिम लीग ने ऐड किया ना अपना फोर्थ ऑब्जेक्टिव, अपने जो मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स थे, तो इनकी क्रीड चेंज हुई मुस्लिम लीग की, तो इस वजह से जो दोनों पार्टीज हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दोनों करीब आ जाते, ठीक है। और इस कॉपरेशन को फॉर्मलाइज किया गया एक पैक्ट के द्वारा, और इस पैक्ट को हम कहते हैं लखनऊ पैक्ट, ठीक है, माहिदा लखनऊ भी कहते हैं। आपको पाकिस्तान मूवमेंट्स की किताबों में मिलेगा लखनऊ पैक्ट या मुहिदा लखनऊ, अगर उर्दू में है तो। उन्होंने जो हारमोनी आ रही थी इसको फॉर्मलाइज करने के लिए एक उन्होंने पैक्ट साइन किया जिसको हम मुहिदा लखनऊ कहते हैं। लखनऊ पैक्ट माइलस्टोन है, ऑब्वियसली माइलस्टोन है पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, क्योंकि जब आप इसके फीचर पढ़ेंगे, जब आप इसकी डिमांड्स करेंगे, और फिर इस डिमांड्स का जो इम्पैक्ट है वो 1919 के एक्ट में भी आएगा, जो मोंटेगो कैम्पफोर्ड रिफॉर्म्स है उन पर भी आएगा इंशाल्लाह, जो नेक्स्ट लेक्चर उन्हीं पे होगा, उसी पे होगा, 1919 का जो एक्ट है उसी पे होगा। देन मैंने आपको बताया कि ये पहला और आखिरी पैक्ट था जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान हुआ, और मुस्लिम लीग और जुदागाना इंतखाब का जो मसला था वो वंस एंड फॉर ऑल हल हो गया, क्योंकि कह लें कि इस पे क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा है हिंदुओं की तरफ से कि आपको नहीं मानना चाहिए था ये वाली जो बात थी, या ये वाली जो शिक थी सेपरेट इलेक्टोरेट वाली, क्योंकि इसी बेस पे आगे चल के फिर पाकिस्तान मूवमेंट काफी ज्यादा तेज हो गई थी जैसे जैसे स्टोरी आगे चलेगी, क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी की फॉर्म में बता रहा हूँ, तो जैसे जैसे आगे स्टोरी चलेगी तो आपको पता चलता जाएगा। फिर इसको फॉर्मलाइज कर दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट को, क्योंकि कह लें कि हिंदुओं की मोहर लग गई थी, क्योंकि जो मुसलमानों देख चुके थे इससे पहले और सीख भी चुके थे, अच्छी बात है कि सीख चुके थे कि अगर कोई जो ब्रिटिश काम करते हैं जिसमें मुसलमानों की भलाई है और इसमें हिंदुओं की मर्जी शामिल नहीं है, तो कोई भरोसा नहीं है कि वो कुछ अरसे बाद इसको बंद कर दें, क्योंकि तकसीम बंगाल में डायरेक्टली तौर पे मुसलमानों को फायदा हो रहा था और इसी फायदे को हिंदुओं ने नहीं देखा, क्योंकि हिंदुओं की मर्जी शामिल नहीं थी, इस वजह से फिर उन्होंने काफी ज्यादा फसादात और प्रोटेस्ट और एजिटेशन की, जिसकी वजह से फिर इनको अनाल करनी पड़ी, पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो यही डर था कि 1909 के एक्ट में हमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया, लेकिन हिंदुओं की मर्जी शामिल करवाना इसमें लाजमी है।
और अगर मैं बात करूं तो लीडर्स की, तो मोहम्मद अली जिना प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के, और वजीर हसन इनके साथ थे। देन मजमूदार साहिब कांग्रेस के थे प्रेसिडेंट, और बाल तिलक इनके साथ थे। और 13 दिसंबर 1916 में ये पैक्ट साइन होता है, और ज्वाइंट सेशन हो रहा होता है कांग्रेस का लखनऊ में, ज्वाइंट सेशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का। और 13 दिसंबर 1916 ये एग्जैक्ट डेट है, ठीक है। और इसमें इन्होंने एग्री किया था कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ हम दोनों अब मिल के कोशिश करेंगे कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया इंट्रोडक्शन। इसकी बात करूं तो मैंने आपको बताया कि 1910 से ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेकर, लेकिन जो फॉर्मलाइज की गई वो 1912 से, मतलब सेकेंड डेकेड ऑफ जो 19th सेंचुरी का था, सेकेंड डेकेड 1910 से लेके 1920 का जो एरा है उसे आप हिंदू मुस्लिम हार्मनी या हिंदू मुस्लिम यूनिटी या हिंदू मुस्लिम कॉपरेशन कह सकते हैं, हिंदू मुस्लिम मुस्लिम कॉपरेशन, ठीक है। क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए उसके बाद, खिलाफत मूवमेंट, जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये सारी चीज़ें इसी दौर में हो रही थी हिंदू मुस्लिम कॉपरेशन की वजह से। ये क्यों, मुआहदे के पीछे फैक्टर्स क्या थे, क्यों होते हैं? नंबर 1, चेंज इन मुस्लिम पॉलिटिक्स। मैंने आपको बताया ना कि मुस्लिम जो पॉलिटिक्स है उसकी क्रीड चेंज हो जाती है, वो टोटली पहले एक है, एलज भी किया जाता है अगर हिस्ट्री पढ़ें तो आपको लगता भी ऐसे ही है कि जो मुस्लिम लीग थी वो फेवरेट जमात थी ब्रिटिश की, लेकिन जैसे जैसे इवेंट्स होते हैं, जैसे जैसे वाकयात होते हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स है उसको चेंज करनी पड़ती हैं। नंबर 1, अनलमेंट ऑफ बंगाल हो जाती है, पार्टीशन, ठीक है। और ये कानपुर मास्क का इंसिडेंट, ये क्या था कि यूपी में एक मास्क थी और इन्होंने रोड को थोड़ा सा ना वाइड करना था, उसका एरिया बढ़ाना था रोड का। तो अब ये रोड है, इसके एक साइड पे मंदिर था, एक साइड पे मस्जिद थी, तो इन्होंने क्या किया कि मस्जिद की जो वुजू वाली जगह थी ना उसको शहीद कर दिया, उसको मस्मार कर दिया और रोड वाइड कर दी और मंदिर को नहीं छेड़ा। देन अलीगढ़ कॉलेज को वो लोग यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे रहे थे, ठीक है, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल सामने आ रहे थे, क्योंकि ये अपना सिलेबस नहीं इंट्रोड्यूस करवा सकते थे, अपना कोर्स नहीं करवा सकते थे, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स नहीं हो रही थी अलीगढ़ कॉलेज में। देन एमरजेंस ऑफ न्यू एजुकेटेड लीडरशिप। अब जो न्यू एजुकेटेड लीडरशिप आती है ना वो क्या करती है, उनमें सबसे पहले जो काबिले जिक्र हैं वो मिर्ज़ा अजीज़ साहब हैं, और के ये क्या करते हैं कि हमें एंटी एम्पीरियलिस्ट, मतलब वही कह रहे हैं ना स्लोगन, एंटी एम्पीरियलिस्ट स्लोगन कहते हैं कि हमें ब्रिटिश के जो रूल है ना हमें इधर नहीं चाहिए, हम खुद गवर्न करेंगे, डोमिनियन स्टेटस। तो जैसे कनाडा में आप लोग दे के आए हो, ऑस्ट्रेलिया में दे के आए हो, हमें वो चीज़ चाहिए, ठीक है। अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, अगर आप राइट्स की बात करते हो, तो हमें डोमिनियन स्टेटस दो। तो इस वजह से जो मुस्लिम लीग की जो एजुकेटेड लीडरशिप थी, पोलिटिकल साइंस पढ़ के आ रही थी, तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें जो इंडिया की सॉरी ब्रिटिश की जो डेमोक्रेसी में थी वो सारी चीज़ें पता लग रही थी, और वो ओल्ड से न्यू आइडिया की तरफ। अब राइज ऑफ न्यू ब्रांड ऑफ जर्नलिज्म, इसमें क्या था कि मुसलमान अपने अखबारात और रसाले जो नए नए लिख रहे थे उसमें न्यू आइडियाज, न्यू सोच, इस तरह की बेदारी की मूवमेंट स्टार्ट हो रही थी, जैसे कॉमरेड जो है वो काबिले जिक्र है, फिर अल हलाल, देन हमदर्द, फिर जमींदार, और वेरियस जर्नलिस्ट लाइक मौलाना मोहम्मद अली शौकत, मौलाना मोहम्मद अली जोहर, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद एंड जफर अली खान, ये तो ये सारे जो हैं वो एक नई तरीके से जर्नलिज्म को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, जिसमें वो एंटी इंपीरियलिस्ट और क्रिटिसिज्म कर रहे थे, गवर्नमेंट थी जो ब्रिटिश की उसको क्रिटिसिज्म कर रहे थे, ठीक है। सो नेक्स्ट फैक्टर है कि एफर्ट्स फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। मैंने आपको बताया ना कि 1910 से ही मुस्लिम लीडरशिप इस कोशिश में थी कि अपने राइट्स को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अपने राइट्स जो अपने डिमांड्स हैं उनको मनवाने के लिए हिंदू सपोर्ट मस्त चाहिए, तो इसी वजह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी की कोशिशें ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। देन हकीम अजमल खान एक एड्रेस दे रहे होते हैं एक सेशन में मुस्लिम लीग का 1910 में, तो वो भी इस बारे में बात करते हैं। देन ब्रिटिश भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, सर विलियम वेडनबर्ग भी, ठीक है। और फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस में 60 हिंदू डेलीगेट्स और 40 मुस्लिम डेलीगेट्स ये इकट्ठे बैठते हैं और वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। देन रोल ऑफ मुस्लिम लीग लंदन ब्रांच। अब मुस्लिम लीग की एक इंडिया में ब्रांच है
और थी, और एक लंदन में थी, जैसे काफी सारी पार्टीज की होती हैं अभी भी होती हैं, एमक्यूएम की, लंदन ब्रांच के बारे में आप लोग काफी सुनते होंगे, ठीक है। तो इसी तरह की मुस्लिम लीग की एक लंदन ब्रांच थी, तो उन्होंने 1912 में जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें सजेस्ट किया कि अब हमें, अगर हमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए जिसमें इंडियंस हों, हमारे राइट्स ज्यादा हों, हमारी डिमांड्स को माना जाए, तो हिंदू मुस्लिम सपोर्ट लाजमी है, एक दूसरे को सपोर्ट उनकी लाजमी तौर पे चाहिए होगी ताकि जो हमारे इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सकें। उसके बाद आता है चेंज इन मुस्लिम लीग क्रीड। मैंने आपको बताया कि 1913 में मुस्लिम लीग के जो पर्पसेस थे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो चेंज हो जाते हैं, और चौथा ऑब्जेक्टिव मुस्लिम लीग अपना ऐड कर देती है, और वो होता है सेल्फ गवर्नेंस या सेल्फ रूल या डोमिनियन स्टेटस। देन आता है रोल ऑफ लिबरल लीडरशिप। अब जो लीडरशिप थी यहाँ पे, जो लखनऊ पैक्ट के टाइम पे 1916 में या उससे थोड़ी देर पहले, वो काफी लिबरल थी। वो लिबरल लीडरशिप में मैं आपको बताऊं तो कौन कौन से थे। जो लिबरल लीडरशिप है वो कौन से थी? गोखले थे, एसपी सेना थे, ब्रिस्टर मजरूला मुसलमानों की तरफ से थे, मोहम्मद अली जिना, मजमूदार, एनी बेसेंट और हकीम अजमल खान। ये सारी लीडरशिप जो ऊपर लेवल की लीडरशिप होती है ना किसी भी पार्टी की, वो सारी एक लिबरल थी, एक दूसरे के साथ बैठने पे राजी थे, और इनका एक जो गोल था ना, इन सबका सेम था कि हमें डोमिनियन स्टेटस मिल जाए किसी ना किसी तरह, या फिर हमारी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो जाए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है या लेजिस्लेचर काउंसिल है उसमें। मैंने आपको बता दिया कि लीडरशिप नाउ इनिशिएटिव ले रही थी कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी की तरफ हम। नेक्स्ट था जिना एफर्ट्स। जिना क्योंकि दोनों